ओके जी, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज लेसन फोर है हमारा। लेसन फोर हम करेंगे आज मूविंग एवरेज पे, और साथ इसके बाद जरा वजीर एक्स सिक्के जो इंडियन कॉइन है उसका जरा एनालिसिस करेंगे, और उसकी एक बड़ी हाइप पे क्रिएटिव इवेंट जो नेक्स्ट आने है, एक दो हफ्तों में है, उस पर हम जरा बात करेंगे। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुल गया है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाने के बाद सबसे पहले तो हम इसको ना डिफॉल्ट सेटिंग पे ले जाते हैं। ये बोलिंजर वगैरह जो भी है ये मैं सब में बंद कर देता हूँ। अच्छा, इसमें एक बड़ी टेक्निकल एक चीज है, ये समझने वाली ये चीज है कि आपका जो ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है ना, ये आपका अकाउंट होता है आपका बेसिक अकाउंट। ठीक है, ये परचेसिंग नहीं है, फ्री अकाउंट है आपका। इस फ्री अकाउंट में आप मैक्सिमम तीन जो है ना इंडिकेटर वो एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके जो जुगाड़ है ना, आपने जुगाड़ क्या वो लगानी है, वो आपने जुगाड़ में आपको ये समझाने लगा हूं कि आपने इस ट्रेडिंग व्यू के अंदर चार इंडिकेटर कैसे लगाने हैं बेसिक अकाउंट में। आप चले जाओ बाइनेंस पे अपने। ठीक है, अब बाइनेंस पे जाने के बाद अपना वहां से कोई भी ये ट्रेडिंग व्यू का वो खोल लो जिसपे आप ट्रेड करते हो। खोलने के बाद आपने क्या करना है, ये बड़ी एक टेक्निकल बात है क्योंकि आपका ना उसमें आप फंस जाते हो कि आपके पास वो होते नहीं है उतने ऑप्शंस इंडिकेटर की। ठीक है, अच्छा, आपने इसके बाद ट्रेडिंग ये जब बाइनेंस का आपने ये खोल लिया ना, तो ये देखो एक ओरिजिनल है ये। ठीक है, ओरिजिनल के साथ ये ट्रेड व्यू का पड़ा हुआ है, इनके पास लिंक है। ठीक है, आपने इस ट्रेड व्यू पे जब करना है ना, तो यहाँ जाके आप जितने मर्जी इंडिकेटर लगा लो, चार पांच लगा लो, आपके यहाँ पे चारों लग जाएंगे इंडिकेटर। द रीजन बिहाइंड में क्यों बता रहा हूँ कि मूविंग एवरेज जो है ना, मूविंग एवरेज आपके जब तक चार इंडिकेटर्स एट ए टाइम आप नहीं लगाओगे, आपको वो इतना ज्यादा मजा नहीं देगा, उसमें आप इतनी एनालाइज नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये मेरा जो है ना वो लगा हुआ है ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर लगा हुआ है बाइनेंस में, व्यू सॉरी ओपन हुआ हुआ है। इसमें ये जो सेटिंग्स है ना, ये सेटिंग्स मैं आपको ग्रुप में भेज भी दूंगा, इनको आपने अच्छी तरह हिफ्स कर लेना, याद कर रख लेना इनको, क्योंकि ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है जो आपने यूज करनी है। मैं एक दफा आपको ये ओपन करके ना बता भी देता हूँ। आपकी ईएमए जो 20 है ना, ईएमए 20 की सेटिंग आपकी होगी, ये आपका ब्लू कलर है, थिक लाइन इसकी आपने कर लेनी है। ठीक है, और इनपुट यहाँ पे 20 होगी इसकी। ठीक है, आपने सॉरी इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ पे जाना है इंडिकेटर पे। ठीक है, इंडिकेटर पे जाके यहाँ पे ईएमए लिखना है आपने। ठीक है, ईएमए जब आप लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है, इसको आपने चार दफा ओपन कर लेना। ठीक है, आपने इनको चार दफा जब ओपन करोगे ना, उसके बाद हर किसी की आपने ईएमए की सेटिंग डिफरेंट करनी है। आपने वो सेटिंग कैसे करनी है, पहले उस पे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद उसको इनपुट 200 लिखोगे, स्टाइल आगे उसका रेड कलर कर दोगे और थिक उसकी लाइन कर दोगे। ठीक हो गया, ये आप जब इसको विजिबल करोगे तो ऐसी लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपने दूसरा इंडिकेटर ओपन करना है, उसकी सेटिंग में जाके उसका 20 लेंथ कर देनी है, और स्टाइल जो है उसका पर्पल या ब्लू है या जो भी, इसको लाइन करके थिक इसको कर देना है। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 ईएमए और 200 ईएमए। ठीक हो गया, ये ऐसी लाइन आ जाएगी। उसके बाद आपने ईएमए थर्ड वाले ईएमए पे जाना है, उसकी सेटिंग पे आपने 55 कर देना है। ठीक है, 55 के बाद कलर उसका येलो कर देना आपने, और इसको थिन नहीं रखना, इतना ज्यादा थिक नहीं करना इसको। ठीक हो गया, आप इसको जब ये करोगे तो ये इस तरह की ये लाइन आ जाएगी। उसके बाद चौथा जो इंडिकेटर है आपका, उस पे आप सेटिंग पे जाओगे, सेटिंग पे जाने के बाद आपने उसका इनपुट जो है वो 100 कर देना है, स्टाइल जो है आपने ग्रीन करके उसको ओपन कर लेना है। जब ओपन करोगे तो उसकी लाइन आपकी ईएमए की ऐसी आ जाएगी। अच्छा, अब ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये मूविंग एवरेज होता क्या है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये एक आपकी कैंडल स्टिक है, इसको हम जरा वो नॉर्मल उस पे चले जाते हैं, 1 आवर चार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, 1 आवर के आपको इजीली समझाते हैं। अच्छा, आपके 1 आवर चार्ट में इसका ये मतलब है कि ये जो एक आपकी कैंडल बन रही है ना, ये आपकी कैंडल आपकी 1 घंटे की कैंडल है। ठीक है, ये आपकी 1 घंटे की है, ये 1 घंटे की है, ये 1 घंटे की कैंडल है, ये सब 1-1 घंटे की कैंडल्स है आपकी। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप पीछे 24 कैंडल्स पे पीछे चले जाओ तो वो 1 दिन की आपकी कैंडल्स आ जाएंगी सारी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका ये मतलब हुआ कि आपके जो मूविंग एवरेज है ना, वो मूविंग एवरेज 220 मूविंग एवरेज 20 का मतलब है कि पिछली 20 कैंडल्स का जो मीन है ना, ये वो आपको वो लाइन दिखा रहा है। मैं बाकियों को भी हाइड कर देता हूँ, मैं सिर्फ आपको 20 की बात बताता हूँ। ठीक है, ये EMA 20 जो है ना, जो ब्लू कलर की है, EMA 20 का मतलब है कि पिछली जो 20 कैंडल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये इस यहां से इस कैंडल की लेके ना जो एवरेज निकल रही है ना वैल्यू, वो ये निकल रही है। ठीक हो गया,
तो एवरेज वैल्यू आपकी क्या निकल रही है, 3, 4, 5, 2, 1, ये BTC का चार्ट है। इसी तरह आप जब उसको आ जाओगे 200 मूविंग कैंडल्स पे, तो 200 मूविंग कैंडल्स का ये मतलब है कि पिछली 200 कैंडल्स हैं जो एक घंटे पे आप अभी देख रहे हो, 200 कैंडल्स का ये मीन आपका निकल रहा है, जो मीन कितना है 3, 4, 300, ठीक है। इसी तरह 55 का मतलब पिछली 55 कैंडल्स का, ईएम में 100 का मतलब है पिछली 100 कैंडल्स का, ये मतलब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 20 और 200 होती है, वो इस वजह से कि अच्छा अब मूविंग एवरेज आपको बेसिकली बताती क्या है, मूविंग एवरेज आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ना रेजिस्टेंस और बेस का बताती है, सॉरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बताती है, ठीक है। वो कैसे बताती है कि आप ये देखो कि अगर ये 200 जो रेड वाली अभी इस वक्त मूविंग एवरेज है ना, ये इसने एक अपनी यहाँ पे सपोर्ट बनाई हुई है, ठीक हो गया, 1 आवर पे इसने अपनी सपोर्ट बनाई हुई है। और उसके बाद आपका ये जो ब्लू वाली है, ये भी इसने सपोर्ट अपनी बनाई हुई है। तो ये आपको पता लग गया कि आप ये कहोगे कि अभी इस वक्त जो है ना, ये मूविंग एवरेज अपनी जो ब्लू वाली है ना, ये आपकी होगी 20। तो 20 मूविंग एवरेज को इस वक्त बीटीसी जो है वो यहाँ पे दोबारा सपोर्ट पे बैठा हुआ है, और मोर लाइकली इसके बाद दोबारा अगर सपोर्ट को तोड़ता है ऊपर जाता है वो देखते हैं। अगर 4 आवर्स पे अगर इसको देखो, तो 4 आवर्स का ये मतलब है अभी इस वक्त जो 200 सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीटीसी की बनी हुई है वो ये वाली मूविंग एवरेज बनी हुई है, जो आपकी 35,899 पे है। इसको ये अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा, जाता है इसको यहाँ पे टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे आप, अब अगर मैं बड़े जरा व्यू पे आपको दिखा रहा हूँ, अब ये आप गौर से बात समझना कि इसका मूविंग एवरेज का मकसद क्या है। मूविंग एवरेज का मकसद ये है कि ये आपकी एक मूविंग एवरेज जो बन रही है ना 200 कैंडल्स की पिछली, ये वो बन रही है 4 घंटे के चार्ट पे, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इसने अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस बनाई हुई है। यहाँ पे देखो बीटीसी ने इसको टेस्ट किया है, इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक किया है, फॉल सिग्नल आया ब्रेकआउट का लेकिन नहीं हुआ, और उसके बाद दोबारा जाके अपनी जो ये 20 की मूविंग एवरेज की आपकी जो सपोर्ट थी वहां पे जाके बैठ गया, ठीक है। फिर इसी को तकरीबन रफली फॉलो करता गया और यहाँ पे दोबारा इसने टेस्ट करने की कोशिश की है, इसने ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक करने के बाद दोबारा वापस आ गया, दोबारा यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, नहीं हुआ, फिर वापस आ गया। मोर लाइकली यहाँ पे दोबारा जाएगा, इसको ब्रेक करेगा, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा 200 मूविंग एवरेज को, इसका ये मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बैठा हुआ है, जहाँ पे इसको रिजेक्शन बार बार मिल रही है। होगी समझ बात? सॉरी शान भाई, एक सवाल पूछना था। जी जी, हुकम करें। हेलो जी जानवे, मैं कहता हूं ब्रेक, जी जी पूछो, पूछो। जो ब्रेकआउट होता है इसमें, ये ईएमए बताता है ब्रेकआउट वगैरह? यार आपको ना देखो, ईएमए ब्रेकआउट बिल्कुल आपको बताता है, वो मैं आपको अगली बात बताता हूँ वो कैसे बताएगा आपको। वो आपको ब्रेकआउट बिल्कुल बताता है, आप उसको अगर देखो, अगर हम जाते हैं 1 आवर के चार्ट पे जाके देखते हैं जरा, ठीक है। आप ये देखो, ये और ये रेड लाइन देखो, ये जो आपकी बन रही है ना ब्लू वाली, ठीक है, ये जब आपको रेड को इसने क्रॉस कर लिया, यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, तो क्रॉस करने के बाद आपको ये सिग्नल देता है कि यहाँ पे अब ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसके साथ मैंने आपको जैसे कल वाले लेक्चर में भी कहा था कि आपने कभी भी एक इंडिकेटर पे कोई भी ट्रेड नहीं इंटर उस पे करना, आपने कम से कम 2 या 3, आइडियली 3 अपने इंडिकेटर्स पे जाके देख के एनालाइज करके उसके बाद आपने ट्रेड में इंटर होना है, वरना आपकी ट्रेड रिस्की हो जाएगी। ये आपका यहाँ पे आप जब जाएगा, आप उसके बाद देखो वॉल्यूम कैसा है, वॉल्यूम ठीक है, यहाँ पे तगड़ा वॉल्यूम था, तो 2 आपके पॉजिटिव थोड़े से आगे के, ठीक है। फिर आपने कैंडल स्टिक का पैटर्न देखना है, ठीक है। कैंडल स्टिक आपको वो क्या बता रही है, कैंडल स्टिक में जरा बाद में 2 लेक्चर्स के बाद पढ़ाऊंगा, ये इसमें इसका ये होता है कि ये टिपिकल कैंडल्स हैं, ये आपकी ये बड़ा हुआ है, ये वो है मॉर्निंग स्टार है, ये आपका डोजी है, इनका भी आपको पता होना चाहिए कि इसके मुताबिक आपने कैसे देखना है। उसके बाद फिर आप एक और इंडिकेटर जो मेरा फेवरेट है बोलिंजर, उसमें अगर आप बोलिंजर इसको ऐड करो, अच्छा चलो फॉर एग्जांपल अगर बोलिंजर इसमें ऐड करके देख ही लेते हैं, बोलिंजर आपका जो है ना बैंड, वो उसमें अगर मैं आपको भी ये सिखा नहीं रहा, सिर्फ एक इंडिकेशन बताने लगा, ठीक है। अगर आप अब वो आपने देख लिया कि उसमें यहाँ पे देखा कि ब्रेकआउट हो रहा है, कौन सी जगह पे ब्रेकआउट हो रहा था, यहाँ पे, ठीक है, इस बड़ी कैंडल के साथ। तो अभी ये उसको देखते हैं जरा, बोलिंजर को जरा कंफर्म करते हैं। अच्छा, अब अगर आप बोलिंजर पे इसको देखो, तो अगर आप बोलिंजर पे इसको देखो, तो बोलिंजर पे भी ये कोई खास इसमें ब्रेकआउट वैसे लग नहीं रहा था,
लेकिन वही बात आ जाती है कि आपने डबल इंडिकेटर देखने हैं, अपर लिमिट में ऑलरेडी ये बैंड पे चल रहा था, ये मीन उसकी होती है, ये टू स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इतना स्ट्रॉन्ग बोलिंजर पे आपको सिग्नल नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको बड़ा अच्छा सिग्नल जो मिल रहा था वो इसका ईएमए 20 और ईएमए 2200 पे मिल रहा था, ठीक है। इसके साथ फिर आप एक दो और फिर इंडिकेटर आगे जाके बात करेंगे, उनको आप ऐड करके तो इसमें फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपने ट्रेड के अंदर इंटर होना है या नहीं होना। अब इस पे अगर आप बड़े व्यू पे देखो तो एक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद आप पैटर्न देखो ऊपर जा रहे हैं, आरएसआई को भी आपने फॉलो करना है, आरएसआई को आरएसआई का बीच में डाल के देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे अब आरएसए को देखो, आरएसए ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे था तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं था, ठीक है, यहाँ पे लेकिन ये देखो ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग था लेकिन वो ब्रेकआउट ऐसा सच मिल नहीं रहा, तो इसलिए वो कहने का मकसद ये है कि आपने कभी भी एक इंडिकेटर पे रिलाई नहीं करना। अगर आप आरएसआई पे यहाँ पे रिलाई कर रहे हो इस जगह पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजिशन पे, यहाँ पे कोई भी ट्रेड पे एंटर नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये देखो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आरएसआई ऊपर है, नहीं होगा इंटर, यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, ये इंडिकेशन आपकी बन रही थी कि आप माइट बी पॉसिबल थोड़ा सा इंटर हो सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन होने के बाद अभी तक इतना बड़ा कोई इन्फ्लक्स आया नहीं है। ओके तो आपकी जो ब्रेकआउट जो 20 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज है ना, ये आपकी स्विंग ट्रेड्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग एक दो दिनों के लिए। अगर यहाँ पे आपने एंटर हो गया उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया एक दो दिनों के बाद देखो तो आपका अच्छा भला यहाँ पे प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और कितने आवर्स के चार्ट पे आप उसको देख रहे हैं, ये बड़ा ज्यादा मैटर करता है कि आप स्कैल्पिंग जो है वो कभी भी 4 आवर के चार्ट पे उस पे नहीं कर सकते, आप 15 आवर के मिनट पे या 5 मिनट पे, मैं यूजली 5 मिनट पे करता हूँ, अगर आप 5 मिनट पे जाके देखते हैं कोई ब्रेकआउट, चलो चेक करते हैं ब्रेकआउट, इसका एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, साथ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है वॉल्यूम की है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड में इंटर होता है और इंटर होने के बाद 2% 3% में यहाँ पे जाके एग्जिट कर लेता है तो अच्छा भला यहाँ पे उसने प्रॉफिट बना लिया, अगर $500 लगाए हैं 1000 लगाए हैं तो आपका ये देखो 480 पे है और यहाँ पे 200-300 डॉलर का कोई फर्क पड़ जाता है, ठीक है, तो इतने परसेंट आप यहाँ पे इसके कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेशन ब्रेकआउट का आ रहा था लेकिन इतना खास नहीं आया, पीछे अगर जाके कहीं पे देखें तो ये देखो ये बड़ी आइडियल यहाँ पे बना हुआ है 5 मिनट्स के चार्ट पे, एकदम इतनी एलिवेशन पे है तो आंखें बंद करके स्कैल्पिंग के लिए आप इसके अंदर इंटर हो सकते हैं ट्रेड के लिए। यहाँ से इंटर होंगे प्रोजेक्टाइल है, जा रहा है अप ट्रेंड है, यहाँ तक जाते हुए आप बड़े कंफर्टेबली आप यहाँ तक रह सकते हैं ट्रेड के अंदर, यहाँ पे जाके कोई पता नहीं है नीचे आ जाए या ऊपर जाए तो आप यहाँ पे सेफ साइड पे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप पीछे की ओर ब्रेकआउट इसका देखो तो ये तो डाउन मूवमेंट है, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट का थोड़ा सा बन रहा था कि नीचे आएगा नहीं या यहाँ से प्रोजेक्टाइल हो गया, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आप इंटर हो सकते हैं ट्रेड के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा ईएमए ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको बस साथ साथ देखना, आपने पुराने चार्ट्स को देखो उसके इंडिकेशन के साथ देखो तब आपको समझ लग जाएगा, लेकिन बेसिक इसका जो रोल है ना ईएमए का वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताता है, ठीक है। अब ये 5 मिनट के चार्ट पे ये देखो यहाँ पे आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैच कर रहा है, बिल्कुल एक डंपिंग सिचुएशन पे साइड टू साइड मूवमेंट इसकी चल रही है, लेकिन आप इसको अगर 1 आवर पे देखो तो 1 आवर पे जाके पिक्चर जरा चेंज है कि यहाँ पे आपका ब्रेकआउट आपको मिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और वॉल्यूम भी अच्छा है तो मोर लाइकली यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा और इस जाके इस लेवल तक शायद जाके दोबारा अपना रेजिस्टेंस को टच करेगा जो भी पैटर्न लग रहा है। ओके अच्छा अब अगली बात कर लेते हैं वजीर एक्स की। वजीर एक्स आजकल हाइप में क्यों है वो मैं सबसे, वजीर एक्स का पता है कि है क्या? नहीं शांत भाई थोड़ा इंट्रो दे दें। अच्छा वजीर एक्स जो है ना आपका वो इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है, ठीक है, और आपको ये पता है कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी है वो लीगलाइज हो चुकी है, और एक और बड़ी ही मजे की खबर ये आ रही है कि इंडिया का क्रिप्टो जो आपका वो है ना बिल वो आप इनका वो करने लगे हैं पार्लियामेंट में देने लगे हैं, ठीक है, तो अगर तो ये बिल पास हो जाता है क्रिप्टो का टेंडर जो है इनका जिस तरह वो एल सल्वाडोर में हुआ और मेक्सिको और बाकी कंट्रीज में कर रहे हैं तब तो क्रिप्टो को 4 चांद लग जाएंगे और वजीर एक्स जो है ना वो बड़े हाइप पे चला जाएगा। और दूसरा ये देखो अभी वजीर एक्स की अभी करंटली जो प्राइस है वो 1.174 है, ठहरो मेरा कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है इसको करना होगा। ओके 1.174 है और इसकी प्रिडिक्शन जो फोरकास्ट है वो ये है कि ये 11.33 तक जा सकता है अगले 3-4 सालों में 5 सालों में,
ठीक है, तो मतलब ये है कि इसका अच्छा वाला पोटेंशियल है कि 5 सालों के अंदर 88-73% इसके अंदर ग्रोथ है, और अगर आपको ये पता है कि इस वक्त 5x जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अच्छा ये आप अगर इस पे न्यूज पे जाके देखो क्रिप्टो बिल की, तो क्रिप्टो करेंसी बिल टू बी पास सून, ये काफी न्यूज इसमें चल रही है, रेगुलेशन इसमें चल रहा है, तो ये एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई है कि इसमें क्या होने वाला है। मेरे आप ट्विटर अकाउंट में अगर आप जाके देखो तो वहां पे इनकी एक वो न्यूज मैंने शेयर की हुई थी कि जिसमें इतना ज्यादा इन्होंने पैसा क्रिप्टो करेंसी में सिर्फ पिछले 2 सालों में इनका इन्वेस्ट हुआ है। कमिंग बैक टू आप इस पे वजीर एक्स को आपने परचेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने जाओगे बाइनेंस के अकाउंट में, ठीक है, बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस के एक्सचेंज पे ये नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, आपने ओवरव्यू पे जाना है। ओवरव्यू पे जाने के बाद आपने सबसे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन पे जाओगे तो ये लिखा हुआ है आपका वजीर एक्स, ठीक है, आप वजीर एक्स पे यहाँ पे क्लिक करोगे। वजीर एक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ का बाइनेंस का अकाउंट डायरेक्ट वजीर एक्स के साथ कनेक्ट कर देगा, जिसके अंदर आपने अगर वजीर एक्स का आपके पास नहीं है वो उसके एक्सचेंज की आपके पास लॉगिन नहीं है, तो आप wazirx.com पे जाओ और वहां जाके अपना अकाउंट बना लो, और अकाउंट बनाने के बाद उसको वेरीफाई कर लो, ठीक है। आपका ये अब आ गया वजीर एक्स का, ये आ गया जिसमें आप यहाँ पे वजीर एक्स पे आप जाके ये इसको परचेसिंग जैसे कर सकते हैं यूएसडीटी से। अच्छा, आपका वजीर एक्स पे अकाउंट बन गया, जिसमें मेरा अकाउंट इस पे बना हुआ है, ठीक है। मैंने इसका जो रेफरल आईडी है वो अपने इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मैं दे दूंगा, यहाँ से आप बनाओगे तो आपको इसमें एक्स्ट्रा परसेंटेज भी मिलेगी परचेसिंग पे। तो एनीवेज आप यहाँ पे जाओगे बाइनेंस के अकाउंट में, वजीर एक्स पे क्लिक करोगे, वजीर एक्स पे आपके स्पॉट वॉलेट से आपने अपने यूएसडीटी वहां पे ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो यूएसडीटी आप इसको सिलेक्ट करोगे, अभी मेरे पास यूएसडीटी को एसएच पड़े नहीं है, सारे वो इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आप जितने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, अगर $100 करना है या जितना भी भेजना है आप वो यहाँ करके कंफर्म करके, तो आप उसको वजीर एक्स के अपने एक्सचेंज में भेज दोगे, वॉलेट में भेज दोगे, ठीक है। आप जब यहाँ पे भेजोगे आपको वजीर एक्स में यहाँ पे मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिलने के बाद आप यहाँ पे इसकी परचेसिंग कर सकते हैं। अब जल्दी से इसका जरा एनालाइज कर लेते हैं, वजीर एक्स के क्या सीन क्या चल रहा है, इसका प्राइस मैं आपको थोड़ा वो बता देता हूँ, इसकी परचेसिंग और वो बता देता हूँ, तो जब भी आपने जितना इन्वेस्ट इस पे करना है तो आप इसके बाद इस पे इसकी परचेसिंग कर लेना। आप वजीर एक्स पे जाओगे, यूएसडीटी में जाओ, यूएसडीटी के बाद वजीर यूएसडीटी का ये आप चार्ट खोल लोगे, ठीक है। चार्ट खोलने के बाद आप इसको जरा बड़ा कर लो, बड़ा करने के बाद इसको इसकी नजर पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि क्या है। 4 आवर के चार्ट पे देख लेते हैं, 4 आवर के चार्ट पे इस के बनता है आपका RSI डाल लेते हैं, RSI एक डाल लेते हैं, और साथ आप इसकी एक मूविंग एवरेज है ना, एक मूविंग एवरेज का इंडिकेटर डाल देते हैं, और एक उसका ये देखो मूविंग एवरेज जो है ना आपकी 9 पे आई है, तो मैं इसको चेंज करके जो है ना वो 20 पे कर देता हूँ, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज, और कलर में इसका देता हूँ वो वैसे, ठीक है। तो ये आपकी मूविंग एवरेज आ गई, ये आपका RSI इंडिकेटर आ गया, इसको जरा बड़ा करके देख लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या चल रही है और इसको क्या कितने पे परचेज किया जा सकता है। अच्छा, अब इसकी आप देखो कि अगर ये बड़े स्केल पे इसको देखो तो एक तो आप इसकी ये लॉन्ग स्पोर्ट बन रही है जो ये काफी पुरानी है, नीचे का डेट देखो 23 मई 2021 की है, ठीक है, तो अब ये ऑलरेडी 1 महीना पुराना है, मेरा ख्याल है इसको भी छोड़ देते हैं। एक स्पोर्ट इसकी ये बनी थी ऊपर वाली जो उसकी ब्रेक हो गई यहाँ पे, अब इस पे आओ तो आपकी जो इसकी पहली परचेसिंग, ये आप लिख लो, आप अपने बेशक अपने पास लिख लो, आपकी जो पहली परचेसिंग है ना, मैं लिख भी लेता हूँ, मैं साथ ग्रुप में ना शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। आपकी जो इसकी पहली बाइंग बन रही है ना, फर्स्ट इसकी बाइंग बनेगी आपकी, वो बनेगी 1.04326 पे, ठीक है, ये आपकी पहली इसकी स्पोर्ट बन रही है। दूसरी बाइंग आपकी इसकी बन जाएगी, आपने स्प्लिट फॉर्म में बाइंग करनी है, ठीक है, ये आपकी दूसरी इसकी स्पोर्ट बनेगी यहाँ पे जो आपने बॉडी के साथ इसकी बना रही है, तो ये आपकी बनेगी 1.06454 पे, ठीक है, ये आपकी सेकंड बाइंग बन गई, ठीक हो गया। और आपकी जो थर्ड बाइंग है ना इसकी, वो बनेगी 1.09 पे,
1.09190 या आपकी थर्ड बाइंग बन गई। अगर आप इस पे $50 इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसको स्प्लिट करके तीन पार्ट्स में आपने इतनी इसकी बाइंग करनी है और ऑर्डर लगा के छोड़ देना इसको, ठीक है? क्योंकि अभी RSI इसकी 50 पे, तो मोर लाइकली अगर यहाँ पे नीचे जाती है तो आपकी परचेसिंग हो जाएगी। ठीक हो गया, इसकी आपने बाइंग करके इसको छोड़ देना है। उसकी वजह मैं आपको बताने लगूं कि इसकी हाइप क्यों क्रिएट होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो, ये गौर से जरा देखना कि वजीर एक्स बर्न कॉइंस अगले अगले हफ्ते, ठीक है? ये देखो आपका वजीर एक्स मैं आपको ट्विटर पे दिखाता हूँ, जो बर्न कॉइन की बर्निंग होती है ना वजीर एक्स की, नेक्स्ट वीक पे या फिर जुलाई के लास्ट वीक पे जो है ना वो आपकी होगी, और जिसकी वजह से इसकी प्राइस बड़ी जो है ना पीक पे जाने वाली है। ये वजीर एक्स का ऑफिशियल उसका पेज है, ठीक है? इस पे इन्होंने एक ट्वीट दी हुई थी जिसपे इन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि आपके वजीर एक्स की बर्निंग जो है ना वो होगी। मुझे भी वो नजर नहीं आ रही न्यूज कहां पर है, लेकिन वो आएगी तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ही इज द फाउंडर एक्चुअली, निशेल शेट्टी है जिसने ये ब्लॉकचेन बनाई है वजीर एक्स की। Anyways, इनकी यार जो अभी ये बर्न आउट कॉइंस का ना, ये इनका होने वाला है, ठीक है? फोर्थ क्वार्टरली इनका होगा, तो ये आप इसकी इस पे न्यूज़ पे पढ़ लो। जब लास्ट टाइम इसकी हुई थी ना, थर्ड टाइम इसकी जो हुई थी वो अप्रैल में हुई थी मेरा ख्याल है, थर्ड एडिशन, उस वक्त इसकी जो प्राइस है ना अच्छा, ये फोर्थ क्वार्टरली इसके वजीर एक्स का बर्न है, ठीक है? ये आपका मोर लाइकली इस नेक्स्ट वीक में या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा, ठीक है? और होने के बाद ये आपकी, अगर डिटेल्स आपने पढ़नी है आप इसमें पढ़ लेना। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था कि इसकी प्राइस जो लास्ट बर्न आउट पे जो इंक्रीज हुई थी ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो कैसे हुई थी, तो आपको फिर अंदाजा होगा इसकी उस प्राइस का। ये देखो, ये आपका आ गया वजीर एक्स कॉइन आ गया, ठीक है? वजीर एक्स जो है वो इस वक्त इसकी देख लो सर्कुलेटिंग सप्लाई अच्छी बली है, क्योंकि इंडिया का कॉइन है, इंडिया में लोग काफी इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ऑल टाइम पे अगर आप देखो ना, अगर इसको 1 ईयर पे जाके देखो इसके चार्ट को, तो 1 ईयर के चार्ट पे, वन मंथ के चार्ट पे अगर आप जाके इसको देखो, तो ये जो टाइम है ना, ये वाला, इस टाइम पे इसका जो है ना थर्ड एडिशन का बर्न हुआ था, ठीक है? तो इसमें ये देखो इसकी कितनी प्राइस ऊपर तक गई थी, इसकी 1.78 तक चली गई थी। तो अभी एक्युमुलेशन स्टेज पे है, और अगर इसकी यहाँ पे बर्न जो अगले मोर लाइकली होगा कुछ वीक्स में, तो ये प्राइस इसकी दोबारा इसको टच करेगी, तो यू कैन इजीली मेक वेरी गुड प्रॉफिट ऑन दिस कॉइन, ठीक है? तो ये आपको मैं बड़ा हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसकी परचेसिंग करके भी थोड़ी बहुत जितनी भी है, ये देखो यहाँ पे आया हुआ था, आने के बाद यहाँ पे ये इसकी प्राइस गई थी, ठीक है? तो अभी इसकी थोड़ी बहुत परचेसिंग करके इसको रख लो महीने के लिए, महीने के अंदर ही आपको अच्छा भला प्रॉफिट दे देगा। मैं खुद इस पे ज्यादा नहीं, जिस तरह वो 10M है पाकिस्तान का, उसी तरह मैं इस पे बस कोई 100 USD मेरा ख्याल इन्वेस्ट करके बस छोड़ दूंगा। तो लेट्स सी क्या करते हैं कि एटलीस्ट जब भी इसकी प्राइस जाएगी तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, तो आप इसको सेल आउट करके अपना प्रॉफिट साइड पे कर लेना, ठीक हो गया? जी सर। कोई क्वेश्चन आज के लिए भाई? क्लियर। चलो भाई ठीक है, अपना ख्याल रखना। YouTube पे मैं लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, फिर मिलते हैं दोबारा। ओके ओके सर।